इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी फांसी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक डे 8। ठीक है जी, ये एक वेट लूज चैलेंज चल रहा है हमारा। मेरी इनफरादी कोशिश है कि दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि अपने आप को एक चैलेंज दिया जाए, और 30 डेज चैलेंज के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं कोशिश कर सकता हूँ वेट लूज़ करने की डाइट के तहत और एक्सरसाइज के साथ। क्योंकि कल तो आपने मेरा हाल देख लिया था, मैं तो स्प्रिट्स, वो चिकन स्प्रिट वगैरह और सैंडविचेस खाने के मूड में था, और मुझे गरम गरम दलिया मिला, मार्शल और लग गया हमारे घर पे। तो मैं भी हेल्प कर रही हूँ सफाई की, वजन कम करने में मैंने पराठे नहीं खिलाए। हाँ, पहला होता ये था कि मैं जब भी स्मार्ट होने की कोशिश करता था और मेरा कुछ वज़न कम होता था, फौजी अचानक लस्सी या पराठे वगैरह बनाने शुरू कर देती थी देसी घी के, तो मेरा वज़न फिर बढ़ जाता था। रात को अच्छे खाने बन रहे, पुलाव बन रहे, जो मैं मेहनत करता था। लेकिन इस दफ़ा फौजिया ने कहा नहीं जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ जाके पतले हो जाओ। तो बहरहाल एक्सरसाइज शुरू करते, फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद बात करेंगे। अच्छा जी, वैसे मैंने आपको बताया था 5 मिनट आपने वॉक करनी है, 1 मिनट रनिंग करनी है। तो ये वार्म अप हमारा तकरीबन 10 दिन चलेगा। 10 दिन के बाद बॉडी हमें बताएगी, अगर हमें इजाज़त मिली, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी, तो हम इसमें एक्सरसाइज बढ़ाएंगे। अभी तक तो ये बेसिक वार्म अप चल रहा है, थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी जॉगिंग, और वो रेगुलर एक्सरसाइज है। आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है, और बिल्कुल स्लो स्लो, यानी फास्ट वॉक से थोड़ा सा ज़्यादा लाइट जॉगिंग करनी है आपने। लेकिन जितने दिन भी हफ्ते में कर सकें उतने दिन लाजमी करें। अस्सलामुअलैकुम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, ये तो हमारी पेट की एक्सरसाइज होगी जो हमारा कंसर्न है। सेकेंड ऑप्शन हमारे ये है, इसके साथ साथ थोड़ी सी हमें अपनी फिटनेस की तरफ भी जाना है, तो उसकी बेसिक एक्सरसाइज मार्शल आर्ट की वही है। ये हम खड़े इसको स्ट्रेट स्ट्रेट किक कर फ्रंट स्ट्रेट।
ये देखिए, ये अदनान का आज का नाश्ता है। दूध का है एक मग और बॉयल एग है। अभी अदनान आएंगे अंदर से तो फिर देखने वाला सीन होगा अदनान का कि आज ये मिला है, क्योंकि उनको ऑफिस में फिर भूख लग जाती है तो फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं वो लेके। आज कल एहतियात कर रहे हैं। हो गया है, आ जाएं आप। नाश्ता दो मिनट जल्दी। भूख लग रही है? भूख लग रही है। हाँ, ये लीजिए नाश्ता अपना। ये दिखाना था मुझे। ज़्यादा हो गया, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इससे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी मेरी यार। बस दाढ़ थोड़ी सी गीली करनी है ना। एक कप दूध बॉयल एग एक काफ़ी होता है बिल्कुल। मैं एक बजे तक कैसे भूखा रहूँगा यार। कोई बात नहीं, बीच में कोई बिस्किट या स्नैक्स ले लीजिएगा, लेकिन ग्रीन टी के साथ। हमारे घर में मार्शल लग गया, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं, मुझे ये दिखाना था। नहीं ठीक है, आप दो पराठों से सी की जग से कहाँ आते आते ये रह गया। तो स्लाइस वगैरह तो दो उसके साथ कुछ। स्लाइस ले लीजिएगा, एक पीस मिलेगा लेकिन। ठीक है भाई, ओके। ये एक बॉयल एग आया और उसके साथ एक गिलास, एक कप दूध आया, गिलास भी नहीं। बताएं बब्बर शेर को घास फूस, इससे तो मेरी दाढ़ भी गिली नहीं होगी फाजिया। लेकिन बहरहाल करता हूँ कुछ, चलो।